तो और भाई लोग क्या चल रहा है। तो मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इनएक्टिव था। जब मैं इनएक्टिव था तब बहुत सारे गेम्स के बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे माइनक्राफ्ट को आपके अपने माइनक्राफ्ट का अपडेट कर सकते हो, क्योंकि माइनक्राफ्ट का आ चुका है नया अपडेट 1.17 का, केव्स एंड क्लिप्स का। तो आप लोग इसको कैसे अपडेट कर सकते हो? जी हाँ गाइस, आप लोग एकदम सही सुना, अपडेट कर सकते हो। मैंने डाउनलोड नहीं अपडेट बोला, क्योंकि आपका जो पुराना वाला डेटा है, पूरा पुराना वाला जो डाटा है आपका, मतलब आपके जो वर्ल्ड है, आपकी जो प्रोग्रेस है, मतलब जो भी यूट्यूबर है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि उसने अगर सीरीज स्टार्ट की, जैसे कि मैंने सीरीज स्टार्ट की, तो मेरे को मेरा पुराना वर्ल्ड तो चाहिए होगा ना, तो अपडेट करने के बाद हम मुझे कैसे मिलेगा। तो मैं आप लोग आज की इस वीडियो बताऊँगा आप लोग क्या क्या नई चीज़ आई है। तो आप लोग स्क्रीन अपने वीडियो भी देख सकते हो, तो मैं खुद ही खेल रहा हूँ। और ये है आयरन, गोल्ड, कोल, डायमंड, एमरेल्ड, रैपिड लग्जरी, जो भी बोल लो, इतने सारे का चीज़ आई है। और का टेक्सचर चेंज हो चुका है। अब जो बैकग्राउंड में जो सब कुछ जो हो रहा है, वीडियो आप लोग देख रहे हो, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग बीच बीच में बता रहा रहूँगा क्या आया है, क्या फिर क्या नहीं। अगर आप लोग आयरन या फिर गोल्ड को जब ब्रेक करते हो, तो आप लोग को आयरन ओर एंड गोल्ड का ओर मिला था, जिसको पिघला के आप लोग इंगड़ बना सकते हो। तो अब ऐसा नहीं, आप लोगों को कच्चा आयरन मिलेगा, यानी कि रॉ आयरन एंड रॉ गोल्ड मिलेगा। तो ये भी कुछ एमेथिस शार्ड्स या फिर एमेथिस ब्लॉक्स कुछ नया आया इसके ऊपर चलने से, इतना मस्त साउंड आता है ना, मतलब पूछो मत। तो बिना कुछ टाइम गवाए मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताना कि आप लोग कैसे अपडेट कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट को। हाँ, तो मुझे पता है आप लोग, तो अगर इन केस अगर यूट्यूब इस वीडियो को अगर कुछ ट्राई या फिर डिलीट विलीट कर देता है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ, सॉरी कमेंट में नहीं, इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आप लोग यूज़र नेम स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड हाँ, ये माइनक्राफ्ट एक 1.17 में एक नई चीज़ ऐड हुई है, जो कि पाउडर स्नो, अगर जिसमें अगर आप लोग गिर गए तो आप लोग इसके फंस जाओगे, अगर आप लोग इससे बाहर नहीं निकल सकते। एंड कुछ इस तरह से स्क्रीन पे इफेक्ट आता है एंड आप लोग को डैमेज पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आप लोग को लेदर के बूट चाहिए, मतलब माइनक्राफ्ट वाले गंदा वाला काट रहे। नेदरराइट को इतना मस्त आर्मर लाया, अगर गोल्ड का आर्मर नहीं पहन कर जाओगे, मतलब गोल्ड की कोई भी चीज़ नहीं कर नहीं पहन कर जाओगे, तो वो पिगलिंस मारेगी नेदर के अपडेट में। एंड अब इस अपडेट में जूते भी निकल ले, हो क्या ही करेंगे इन माइनक्राफ्ट वालों का। तो देखो, अब माइनक्राफ्ट का ये स्पाई ग्लास भी एक नया ऐड हुआ है, जिसकी बहुत दूर तक जूम होता है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड हाँ, एक और बात, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ये बताना भूल जाता हूँ मैं, ये मैं ऑन, हाँ आप लोग स्क्रीन पर ये सामने साइड में दिखा होगा आप लोगों को। ये ड्रिप स्टोन भी एक नया ऐड हुए है। एंड हाँ, एक चीज़ आप लोग को पता नहीं है, माइनक्राफ्ट का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट समझ सकते हो 30-40% एडिटिंग हो चुके हैं। एंड इस बार की एडिटिंग आप लोगों को अगर नहीं पसंद आए ना, मतलब मैं चैनल का नाम चेंज कर दूंगा, मतलब पासवर्ड बढ़ दूंगा मेरी ईमेल का। सच्ची बता रहा हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडिटिंग पसंद आने वाली, इसलिए गाइस वीडियो लेट है। अगर मुझे एक दो दिन चाहिए उसके बाद वीडियो आएगी। तो बात करते हैं, आप इस अपडेट को आप लोग कैसे अपडेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी एंड कमेंट सेक्शन के टॉप में भी लिंक मिल जाएगी, ऑब्वियसली मीडिया फायर की लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को डाउनलोड, मतलब आपकी जो पुराने वाली जो माइनक्राफ्ट आपके पास 1.16 नेदर अपडेट वाली होगी, जिसने आपने मेरे आप लिंक से अगर डाउनलोड किया होगा, तो वो आप लोगों को डिलीट कर देना है, नहीं तो वो इंस्टॉल नहीं होती, पता नहीं क्यों। उसको डिलीट कर, हमारी ओल्ड माइनक्राफ्ट को डिलीट करने के बाद आप लोगों को जो मैंने लिंक दिए, उससे आप लोग माइनक्राफ्ट डाउनलोड करनी है। कुछ 120 MB की है, 2-5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी, अगर आपके पास अच्छा खासा इंटरनेट है तो। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को सिर्फ उसको इंस्टॉल करना है, क्लिक कर कर इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। एंड हाँ, आप लोग मुझे बोलोगे वीडियो को मैंने बोला था, मतलब बोल रहा हूँ अभी भी, पूरा देखो, आप लोगों को एक चीज़ आप लोग करनी पड़ेगी जिससे आपके वर्ल्ड आप लोगों को मिलेंगे। जैसे आप लोग माइनक्राफ्ट आपको ओपन करोगे, तो आप लोग को आपके वर्ल्ड नहीं मिलेंगे, तो वो कैसे मिलेंगे, उसके लिए एक स्टेप है। तो माइनक्राफ्ट को जैसे आप लोग ओपन करोगे, वहाँ पर आप लोगों को क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर लेंगे। क्रिएट न्यू वर्ल्ड करने के बाद आप लोगों को आपको ऑप्शन दिखाई देगा आपके वर्ल्ड्स का, तो वो एप्लीकेशन सिलेक्टेड होगा, तो उसको आप लोग को एक्सटर्नल सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका वर्ल्ड एक्सटर्नल में चला जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन एक्सटर्नल सेलेक्ट करना है। तो एक्सटर्नल सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों का आपके वर्ल्ड सारे वहाँ पे लोड हो जाएंगे। एंड अगर आप लोग कोई आपका पुराना 1.16 वाला वर्ल्ड ओपन करते हो, तो ऑब्वियसली आप लोग खेल सकते हो, आप लोग को सारे अपडेट दिखाई देंगे। थोड़े से दूर अगर आपको आप लोग अगर आपका बेस होगा, तो उसके थोड़े से दूर में अगर आप लोग को सारे अपडेट्स दिखाई देंगे,
तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग ये वाले वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड आप लोग सोचिए ग्लो स्क्विड एक नया ऐड हुई है, गोट ऐड हुई है जिसने अभी अभी मुझे मारा था तो देखो। एंड हाँ, अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे इस वीडियो के पहले वाली जो वीडियो होगी या फिर इस वीडियो के बाद जो माइनक्राफ्ट का नया एपिसोड आएगा उसमें आप लोग कमेंट करके बताओ, या फिर इंस्टाग्राम पे DM करो, डिस्कॉर्ड पे आओ, डिस्कॉर्ड पे डालो, डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। एंड कुछ नए ब्लॉग्स ऐड हुए, बहुत गाइस मजे करेंगे इसके आगे वाले माइनक्राफ्ट के एपिसोड, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आप लोग देखना एंजॉय करना। तो अगर आगे अगर थोड़ा सा मैं आगे वीडियो आप लोगों को बच रहा होगा तो वो वीडियो देख लो। तो मिलते हैं अभी आगे वापस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।